নীতিশুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব বিরোধীরা শুক্রবার সংসদে এই নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী কেন্দ্র অবশ্য আগেই জানিয়েছে পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে সব রকম পদক্ষেপ করা হচ্ছে আর এদিন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানালেন সংসদের নিট ইস্যুতে সব রকম আলোচনায় রাজি কেন্দ্র কিন্তু বিরোধীদের শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে এদিন সংসদের দুই কক্ষে নিট ইস্যুতে সরব হয় বিরোধীরা হট্টগুলির জেরে আগামী পয়লা জুলাই পর্যন্ত লোকসভা মুলতবি করে দেওয়া হয় সংসদে হট্টগোলের সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে কোনো আলোচনায় প্রস্তুত কেন্দ্র কিন্তু সব আলোচনা সংসদের ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে হওয়া দরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন গতকাল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী নিজেই পরীক্ষায় সু উল্লেখ করেছেন সরকারও আলোচনায় রাজি রাজনীতির বাইরে বেরিয়ে আলোচনায় বসুন বিরোধীরা সোমবার থেকে সংসদে আলোচনা হবে আপনাদের যা মনে হবে বলবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আশ্বস্ত করতে চাই সরকার সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে অভিযুক্তরা কেউ ছাড়া পাবে না যুব ও পড়ুয়াদের প্রতি দায়বদ্ধ সরকার এনটিএ দায়িত্বপ্রাপ্ত সবাইকে সরানো হয়েছে এনটিএ সংস্কারের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে সরকারের মনোভাব এতে স্পষ্ট হচ্ছে বিরোধীদের কাছে অনুরোধ পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করবেন না চিকিৎসকের পেশায় যাওয়ার জন্য নিট প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে হয় ঠিক আছে সরকার किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत हैं जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है उस समय में कोई अर्जनमेंट मोशन वगैरह स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपके मत रखो आपको जो कहना है जो आलोचना करना है जो सुझाव देना है रखो हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है देश की विद्यार्थियों की प्रति है हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं, आज तो जब मैं लोकसभा में था जब प्रतिपक्ष ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है जब आप चर्चा से भागते हो सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है तो कंफ्यूजन किस बात की है मैं विद्यार्थियों को अस्वस्थ करना चाहता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है सीबीआई बी गाज गिरने वाला है जो भी लोग हैं उसकी तहत तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई है राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में जो परीक्षाओं की विसंगति आई है जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एन घोषित कर देगा हम कोई भी कुछ विषय न्यायालय की संज्ञान में है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा सरकार विद्यार्थियों को अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान है हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूँ आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए आप जब एक और दो को सोमवार मंगलवार को और राज्यसभा में बुधवार तक चर्चा होगी आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिए आपकी मन में जो कहना है वो सब कहिए हम अपने पक्ष को स्पष्टता साथ रखेंगे सरकार सारा विषयों को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा तैयार है গত পাঁচই মে প্রায় চব্বিশ লক্ষ পরীক্ষার্থী নিট পরীক্ষা দেয় আর গত চারজন এই পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরই র্যাঙ্ক নিয়ে সোরগোল পড়ে সাতষট্টি জন পরীক্ষার্থী সাতশো কুড়ি নম্বরের পরীক্ষায় সাতশো কুড়ি নম্বর পান আবার পনেরোশো জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেস নম্বর দেওয়া হয়েছিল যাকে কেন্দ্র করে দেশ দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে গ্রেস নম্বর যারা পেয়েছেন তাদের আবার পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলে কেন্দ্র নিট পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে তদন্তে নেমেছে সিবিআই রিপোর্ট আর ই নিউজ